हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और वह सुपर 8 में पहुंच चुकी है। सुपर 8 के आगाज से पहले 15 जून को भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच कनाडा से खेलने जा रही है। डॉट क्रिक बच रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के खिलाफ मैच के बाद शुभमन गिल और आवेश खान को रिलीज किया जाएगा, जबकि रिंकू सिंह और खलील अहमद को बतौर ट्रेवलिंग रिजर्व टीम इंडिया के साथ ही रहेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि सुमन गिल को अनुशासनात्मक कारणों के चलते स्वदेश भेजा जा रहा है, हालांकि वो रिपोर्ट गलत निकली। गिल पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई आज तक से कहा, जहां तक सुमन और आवेश की वापसी का सवाल है, यह फैसला टीम प्रबंधन का है। उनका अधिकार है कि वे किसे रिलीज करना चाहते हैं। किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई अनुशासनात्मक समस्या नहीं है। सुमन गिल अमेरिका में ही है, लेकिन उन्हें टीम के साथ यात्रा करते नहीं देखा गया। गिल और खलील अहमद, आवेश खान, रिंकू सिंह को अपनी टीम का हौसला अफजाई करते देखा गया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सुमन गिल ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया है।